अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सो आज सुबह मैं उठी तो देखा भाई मौसम बहुत क्लासी था, तो बारिश भी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा हम भी इंजॉय कर लेते हैं, ये भी अल्लाह पाक की रहमत है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा अपने अपने हाथों के थोड़े से एक्शन लगा के तो मौसम इंजॉय कर रही थी। बट यार क्या फ़ायदा, फिर वही है बस, यू नो आजकल का मौसम। तो उसके बाद यार ये प्लांट्स इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे आफ्टर रेन, यानी कि इनका कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर ये परफ्यूम, छोटा सा मिनी सा परफ्यूम जो कि मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा भाई बेसिकली लाया था बाहर से। तो मुझे ये परफ्यूम, इसकी फ्रेग्रेंस अमेजिंग है। देन मैंने फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। नीचे आप छोटे छोटे से हैंड देख रहे होंगे जो कि मुझसे तस्बीह खींच रहे थे, ये मेरी बेटी है माशाल्लाह से अलाया। देन उसके बाद जो आपको याद होगा कल मैंने लेसिस शॉप से मिरर्स लिए थे, एक्चुअली मेरे पास बैग था तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा हम ठीक करते हैं। देन चाय का टाइम हो गया, मैं तो पीती नहीं हूँ, तो ये मेरे पेरेंट्स के लिए थी, मैं उनके लिए चाय बना रही थी। उसके बाद जी यू नो एज़ यूजुअल लोड शेडिंग, ये मसला हर वक्त होता है। एंड देन मैं अपनी फ्रेंड की तरफ गई, मैंने कहा चलो यहाँ की भी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। फिर रात हो गई तो मैंने कहा चलो आजकल फ्रूट्स आए तो बनाना शेक बनाया जाए। तो मैंने यार बनानास लिए उनकी, मैंने फिर मुझे ग्रेप्स आजकल बहुत क्रेविंग्स हो रही थी, देन मैंने वो खाए। उसके बाद मैंने ग्राइंडर में दो बनानास ऐड किए और ये चॉकलेट्स जो मेरा भाई लाए थे तो मैंने दो ये भी ले लिए थे, ये हेज़लनट बीच में इनके आलमंड्स। एंड देन मैंने उसके बाद फिर ये एक और चॉकलेट ली जो कि ऐसे लग रहा था जैसे गोल्ड बार है, बट ये चॉकलेट थी। तो ये यार मेरी फेवरेट चॉकलेट है, तो मैंने ये भी ले ली थी। मैंने इनको ग्राइंडर में डाला, टू स्पून शुगर ऐड की एंड वन कप ऑफ मिल्क ऐड किया। तो मैंने फिर इसको जो पता नहीं क्यों आज ही क्रेविंग हुई, मैंने कहा चलो यार ट्राई करते हैं। देन मैंने इनको ग्राइंड किया, ग्राइंड करते हुए मैंने वीडियो बनाई थी। सो फिर मैंने इसको ग्लास में ऐड किया, देखें यार कितना मज़ेदार लग रहा है और ये टेस्ट में भी बहुत ही मज़े का था, मुझे लिटरली बहुत पसंद आया क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम घर में खुद बनाया था। उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ी सी ऊपर गार्निशिंग कर दी, तो मैंने चॉकलेट ऊपर ऐड कर दी थी कि अच्छी लुक लगती है। अब जाहिर बात है ब्लॉगिंग कर रहा है इंसान तो फिर प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने खुद अकेली ने इसको इंजॉय किया, बहुत मज़ेदार था। और आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।